नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं निसार सोहेल टीवी एन 7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। हाइड्रा के बारे में आइए कुछ जानते हैं। पिछले कई दिनों से हाइड्रा के बारे में आप लोग काफी सुने हैं कि तेलंगाना में क्या कुछ नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप सब तो जानते होंगे कि पिछले दिनों में कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। हाइड्रा असल में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन है, जिसे तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने शुरू किया है। नेशनल डस्टर मैनेजमेंट एक्ट से शुरू किया गया है कि हाइड्रा शुरू करने का मकसद है कि हुकूमत के प्रॉपर्टी और जीएचएमसी के एरिया में तालाब और कुंटे और नालों पर किए गए गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए को डिमोलिशन करना है। हाइड्रा ने सिर्फ जीएचएमसी से मिलकर काम नहीं करता, बल्कि वाटर डिपार्टमेंट, विजिलेंस, ट्रैफिक पुलिस के साथ भी मिलकर काम करता है। हाइड्रा के पहले कमिश्नर एवी रंगनाथ आईपीएस हैं। एवी रंगनाथ आईपीएस पहले एडिशनल कमिश्नर क्राइम सेट और इंस्पेक्टर जनरल हैदराबाद मल्टी जोन से काम कर चुके हैं। एवी रंगनाथ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि गवर्नमेंट लैंड, बफर जोन और एफटीएल लैंड पर किए गए गैर कानूनी कब्जे को तोड़ना है, यानी कि डिमोलिशन करना है। पिछले कई दिन से गंडीपेट, हिमायत सागर ऐसे कई सारे बफर जोन में डिमोलिशन किए गए और कई सारे एफटीएल लैंड पर कब्जे किए गए को डिमोलिशन किया और कोई इस पर कब्जा करने की कोशिश किया तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में जितने भी तालाब के पास के कब्जे हुए थे उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 10 साल में तालाबों के पास जो कब्जे हुए हैं उन्हें तोड़ने यानी कि डिमोलिशन किया जाएगा और ऐसे कई सारे तालाब के रिकॉर्ड्स रेवेन्यू में से भी मिटाए गए और उन पर कई सारे बस्तियां भी बनाए गए हैं। साल 2012 से बीआरएस हुकूमत में जितने भी कब्जे हुए हैं उस पर डिमोलिशन किया जाएगा और लैंड माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।